जैसे हिंदुस्तान में सारा हिंदुस्तान मोदी भक्त है, पर उनको ये नहीं पता कि मोदी अंबानी का भक्त है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विच हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपोजिंग एक्सपोजिंग कि इस आदमी ने किसको क्या कहा, किस आदमी का किसके साथ अफेयर है। रंजन गोगोई का ये तो हुआ, रंजन गोगोई की सारी इंफॉर्मेशन उसके पर्सनल लाइफ से लेके उसके लीगल करप्शन से लेके, और इंजीनियर साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। स्नोडन को पता लगा 30 साल के बाद। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इन सब लैब्स में काम कर रहे हैं, जो जैसे अभी दिल्ली पुलिस के पास उन्होंने कहा हम चेहरे वाला हमने एक सॉफ्टवेयर डाला है। सारे दुनिया में तीन भगत सिंह हैं, इंटरनेशनल भगत सिंह, एक है एडवर्ड स्नोडन, एक है जूलियन असांज, एक है चेल्सी मैनिंग। यदि हम आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, इससे हमें क्या जॉब मिलेगा अगर हमें पता ही नहीं। कल और आज की कॉन्फ्रेंस में बेसिक इश्यूज जो रेज किए गए हैं, न्यूक्लियर थ्रेट, क्लाइमेट चेंज एंड राइट विंग नेशनलिज्म, ये पर एक चीज़ जो फ्यूचर में हो रही है और जिसका हमें पता भी नहीं है, और उन चीज़ों को हमने हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि जो ये स्टोरीज हैं, जैसे सारा जो हमारा जिस रैशनैलिटी की बात हम कर रहे हैं, जिस लिबरल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके आज डेमोक्रेटिक एज जिसको हम कहते हैं आज तक, ये रेलिवेंट था। 1930s में फॉर एग्जांपल तीन टाइप की कहानियाँ थी, सभी से आशाएँ थी लोगों को। एक तो फैसिस्ट स्टोरी थी, दूसरी लिबरल स्टोरी थी जिसको हम डेमोक्रेसी, तीसरी कम्युनिस्ट स्टोरी थी। कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ, फैसिज्म की डिफीट हुई 45 में, फिर सबने सोचा कि कम्युनिज्म का कोलैप्स 1990s के पास हम मोरलेस कह सकते हैं। और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं आप वर्ल्ड में, वो हार्डली कम्युनिस्ट है। जो कोई चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री कहे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, इस वर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटलिज्म चाइना में है आज। तो अब एक ही जो कंसेंसस था जो था लिबरल कंसेंसस रैशनैलिटी का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ की बात की जाती थी, उससे लोगों को बहुत आशाएं थी, वो भी टोटली कोलैप्स हो गया बाय 1990s। क्योंकि हर जगह देखा कि जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या US प्रेसिडेंट है, सारा जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ घरानों के आसपास बैठते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान में सारा हिंदुस्तान मोदी भक्त है, पर उनको ये नहीं पता कि मोदी अंबानी का भक्त है, और उसी के आसपास घूमती रहती है सारी सरकार, अदानी का भक्त है या एक आधे छोटे मोटे कैपिटलिस्ट और आ जाते हैं। इससे हमें डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, वी जस्ट डोंट बॉदर, एंड लोगों तक ये कम्युनिकेशन है नहीं है। अब ये वाली स्टोरी जब कोलैप्स होता है 2008 के आसपास, डिप्रेशन आता है, सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, सारे जॉब्स खत्म हो जाते हैं, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट बहुत हो रहा है, कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, यूथ के पास जॉब नहीं, उनको पता भी नहीं कल क्या करना है। यदि हम आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, इससे हमें क्या जॉब मिलेगा अगर हमें पता ही नहीं। अब हमारी सरकारों को भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, और जो डिसीजन आज तक होते थे रिप्रेजेंटेटिव लेते थे, जितनी भी सिस्टम बनते थे, जो व्यवस्थाएं बनती थी, उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उस टाइप की एक पद्धति बनी जिससे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, अब उसकी टोटली रेलिवेंट है। आज हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे बहुत बड़ा सेक्रेटरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, और उन सबकी इन्फॉर्मेशन पहले IB के द्वारा PMO को आती है कि इस आदमी ने किसको क्या कहा, किस आदमी का किसके साथ अफेयर है। रंजन गोगोई का ये तो हुआ, रंजन गोगोई की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पर्सनल लाइफ से लेके उसके लीगल करप्शन से लेके, पहले तो सबको डर लग रहा था कि चीफ जस्टिस बनेगा भी नहीं बनेगा, बिकॉज यू टूक स्टैंड विद 4 जजेस, बट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब ये इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस से अब दुनिया गवर्न होती है। यदि आप एक किताब पढ़े, लेटेस्ट किताब आई है एडवर्ड स्नोडन की, एक्चुअली में इस समय हिंदुस्तान सारे दुनिया में तीन भगत सिंह हैं, इंटरनेशनल भगत सिंह, एक है एडवर्ड स्नोडन, एक है जूलियन असांज, एक है चेल्सी मैनिंग, जिन्होंने सारे सिस्टम को नंगा किया और इसलिए उनको इंटरनेशनली क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है हर व्यवस्था के द्वारा। कोई उनको कोई रिफ्यूज भी दे रहा है तो अंडर सर्टेन स्मॉल स्पेस दिया गया है जिंदा रहने के लिए। जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है उनको पता भी नहीं रहा कि एवरीबडी, जब एडवर्ड स्नोडन अपनी परमानेंट रिकॉर्ड में कहता है आई हैड एवरीबडीज इंफॉर्मेशन 7 बिलियन पीपल,
बट दैट इंक्लूडेड 350 अमेरिकन पीपल ऑल्सो। और उसको कहता है कि तीन डेकेड की सर्विस के बाद 30 साल की उम्र में उसको पता लगता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। जैसे यह बात सब पर लागू होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसको पता लगता है कि मैं काम अमेरिकन पब्लिक के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक एजेंसी के लिए कर रहा हूँ, और जिसके बारे में मुझे पता नहीं है वो CIA है, NSA है, और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है जिसमें हर लीडर की इंफॉर्मेशन है। ये पता है कि कौन लीडर किस बेडरूम में जाता है, जिस आदमी ने कंप्यूटर छुआ है, जिस आदमी ने मोबाइल फोन छुआ है, कहीं पर एक भी कॉल है तो उसको रिकॉर्ड किया। इसी आधार पर तो 7 लोगों को जो सुधा भारद्वाज ने अरेस्ट किया, अरेस्टेड बिकॉज इन देयर कंप्यूटर, बिकॉज द मोमेंट आई एम अरेस्टेड फॉर एग्जाम्पल टुमारो दे विल इमीडिएटली गो टू माई फेसबुक, इसने इसने ऐसे ऐसे किया है, ये मोदी भक्त नहीं है, मोदी तो गाली है, हम क्या करें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हमारी जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हमें सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एंड जो कुछ भी हो रहा है इस चीज को इंक्लूड करना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू गवर्नमेंट आजकल चलाई जा रही है, जिसकी वजह से सारा स्क्वीज है सिस्टम के ऊपर, सारा सिस्टम उनके द्वारा गवर्न होता है और वो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट है, और इंजीनियर साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। स्नोडन को पता लगा 30 साल के बाद, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इन सब लैब्स में काम कर रहे हैं, जो जैसे अभी दिल्ली पुलिस के पास उन्होंने कहा हम चेहरे वाला हमने एक सॉफ्टवेयर डाला है, वो सॉफ्टवेयर किसी रिप्रेजेंटेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको ये नहीं कहा कि सॉफ्टवेयर बनाओ, एक इंजीनियर ने बना लिया, अब उसको यूज कर रहे हैं टू स्क्वीज एवरी एक्टिविस्ट। इसलिए जितने भी आदमी ने जो पीस की बात कर रहे हैं, जो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो तो देशभक्त नहीं है, वो तो एंटी नेशनल है, और जो गुंडे हैं जो बाहर से लाए गए जो मर्डर कर रहे हैं उनको Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है, और ये सारे सिस्टम ऐसे चल रहा है और ऐसे चलता रहेगा, कंट्रोल कीजिए या उसमें कंट्रोल। इसलिए जब हम किसी भी पीस मूवमेंट की बात करते हैं तो हमको दो जो नए इंस्ट्रूमेंट्स जिसको व्यवस्थाएं यूज कर रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, विच हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपोजिंग एक्सपोजिंग एंड सप्रेसिंग ऑल पीस मूवमेंट रेसिस्टेंस मूवमेंट्स, दैट हैज टू बी टेकन, इट हैज टू बी हाईलाइटेड सो दैट वी कैन रियली गो अहेड, अदरवाइज वी आर गोइंग विद द ओल्ड एजेंडा विद द ओल्ड प्रैक्टिसेस कन्वेंशनल विच इज मोर ऑर लेस इररिलेवेंट बिकॉज न्यू थिंग्स हैव कम अप, न्यू साइंस हैव कम अप टू स्क्वीज टू अरेस्ट and to shut us up. Thank you.